Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most magnificent. Assalamu alaikum. My name is Faraz Fida, student of BS Chemistry. This presentation is presented to Professor Shahbaz Ali. Today, our topic of presentation is about medical biotechnology. What is medical biotechnology? नेम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें हमने जो स्टडी करनी है अबाउट मेडिसन्स की, जैसे लाइक डायग्नोस्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन जो हैं, इनके हमने स्टडी करने की कि इंसान के लिए डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करती है, उनको कैसे ट्रीट करती है। सो डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे, उनके लिविंग सेल्स को, सेल मटेरियल्स को, जो डायग्नोस्टिक्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे बीमारियाँ जो है, ह्यूमन डिसीज़ जो है उनको ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल इंसुलिन जो है बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये जो है डायबिटिक पेशेंट जो है, हम शुगर के मरीज़, उनके ब्लड से जो शुगर है, एक्सेस शुगर, उसको रिमूव कर देते हैं। एप्लीकेशंस फार्माकोलॉजी, नंबर वन फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग, नंबर टू जीन थेरापी स्टडी ऑफ जीन्स, हाउ जीन्स रिमूव, हाउ जीन रिप्लेस, नंबर थ्री स्टेम सेल्स स्टडी ऑफ सेल्स, हाउ डैमेज सेल्स रिमूव, हाउ डैमेज सेल इम्प्रूव, एंड नंबर फोर टिशू इंजीनियरिंग, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रिप्लेसिंग टिशू, इम्प्रूवमेंट ऑफ टिशूज। सो लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इन डिटेल। फार्माकोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, मीन्स कि हमने इसके बारे में, ड्रग्स के बारे में स्टडी करनी है। ड्रग्स बेसिकली मैन मेड है और इंडेंजर भी है सेहत के लिए भी और इंसान के लिए भी। अब बेसिक इसके पॉइंट्स की बात करते हैं। इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन जो है वो बेसिकली हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म जो है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इंसुलिन जो है सबसे पहले ई कोलाई में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ज़रिए प्रोड्यूस किया गया था। ई कोलाई जो है बेसिकली बैक्टीरिया है जो इंसान के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो बॉडी जो है फूड है उसे डाइजेस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर टू ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, 1979 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बदौलत सबसे पहले ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन किया गया। तो इट इज़ एंटी इंसुलिन, क्योंकि ये जो है इंसुलिन की जो है एबिलिटी है उसको कम कर देता है कि वो ग्लूकोज को अपटेक करे, और ये जो है ग्लूकोज जो है लीवर में जो साइंथेसिस होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको भी इन्हेंस कर देता है, रोक देता है। पॉइंट नंबर थ्री ह्यूमन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग जो है वो बेसिकली उस वक्त होती है जब हमें कट लग जाए या हम इंजर्ड हो जाए, तो इसकी जो क्लोटिंग के लिए ये हमारे पास बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काज करते हैं कि ब्लड को कैसे क्लोट करना है। तो इससे जो है ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर से ब्लड क्लोट हो जाता है, जिससे ज़्यादा खून जो है लूज नहीं होता। अब नंबर फोर मोनोक्लिनिक एंटीबॉडीज़ MAB, इसका दरअसल काम जो है ये है कैंसर सेल्स पे अटैक करते हैं। ये एंटीजन्स के साथ अटैच होता है जो तादाद में कैंसर सेल से ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये सेल्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नंबर टू जीन थेरापी, बेसिकली व्हाट इज़ जीन, जीन जो है वो एक यूनिट है हेरिडिटी का, जिससे में करेक्टरिस्टिक्स जो है पेरेंट्स में वो ट्रांसफ़र हो जाती है उनके ऑफस्प्रिंग में, और ये जो है जीन थेरापी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम जीन्स को यूज़ करेंगे डिसीज़ को के लिए। ये टेक्निक जो है डॉक्टर्स को अलाउ करती है कि वो इन जीन में जो पेशेंट्स है उसमें जीन इंसर्ट कर दें, बजाय इसके कि वो सर्जरी करें या उसको ऑपरेट करें। और इसमें इसे कुछ डिसऑर्डर्स भी होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसके हमारे इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नंबर वन सेवर कम्यून इम्यून डेफिशिएंसी SCID, बबल बॉय डिसीज, मींस के जो बेबी होते हैं उस पर बबल्स की तरह दाने होते हैं जिसे हम बबल बॉय डिसीज़ कहते हैं। इसे जो उसका इम्यून सिस्टम होता है वो अनअफेक्टिव होता है जो बेबी बोर्न होता है। और नंबर टू डिसीज़ है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटिस डिसऑर्डर CGD, ये इम्यून सिस्टम में डिसीज़ पाई जाती है, क्योंकि इसे जो पेशेंट्स होते हैं उसमें एबिलिटी नहीं होती कि वो फाइट करे फंगल और बैक्टीरियल से, जो विच कैन बी फेटल। हेमोफीलिया ब्लड क्लॉट डिसीज़ कहते हैं इसको, पेशेंट जो है वो जो बोन होते हैं इससे ब्लड क्लॉट से
उसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, जो सेहत के लिए भी लाइफ थ्रेटेंड है। और इसके लिए हम कुछ जेन्स यूज़ करते हैं, थेरापेटिक जेन्स, जिससे बेसिकली नॉर्मल ब्लड क्लोट हो जाता है। नंबर 3, स्टेम सेल्स। ये एबिलिटी है कि स्पेशलाइज सेल्स को इंट्रोड्यूस करवाने के, ये जो है सेल्स को रिप्लेस करते हैं टिश्यूज़ को जो डैमेज हो या लॉस हो जाते हैं। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये जो स्टेम सेल्स है ये मेडिसिन में प्ले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डैमेज टिश्यूज जो है उनको रिपेयर कर देते हैं। कुछ थेरापीज हैं जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगी, ये भी स्टेम सेल्स के यूज़ में आती है। बेनिफिट्स, ये इससे में बेनिफिट ये है कि जो लोग स्पाइनल कोड की इंजरी होती है, जिनको डायबिटीज़ होते हैं, अल्जाइमर्स डिसीज़ हैं, हार्ट डिसीज़ हैं, इनको इनकी पेशेंट्स के लिए बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 4, जेनेटिक टिशू इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ टिशू? कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स। और टिशू इंजीनियरिंग की बात करें तो ये एक ऐसा मेथड है, टेक्निक है, जिसमें टिशूज़ जो है उनको रिप्लेस किया जाता है, उनको इम्प्रूव किया जाता है। और ये जो है टिशूज़ को हम यूज़ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू विजिबल टिशूज़ के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो आर्टिफिशियल स्किन जो है वो एग्ज़ाम्पल है इसके। और बेनिफिट इसका यह है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं वो खुद उनके पैदा रिजेनरेट होते हैं। सो ये थे हमारे पास एप्लीकेशंस फॉर एक्सप्लेनेशन, जिसको हमने फर्दर आसानी से पढ़ा। और अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।